भोले की नगरी में समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। पुराने समाजवादी नेता से जिला अध्यक्ष की कुर्सी छीनने के बाद वाराणसी में संग्राम छिड़ गया है। आलम यह है कि पूर्व जिला अध्यक्ष और सूबे के मंत्री के बीच ठन गई है। अब कार्यकर्ता भी दुविधा में है कि पूर्व जिला अध्यक्ष का साथ दें या फिर नए जिला अध्यक्ष का। चुनाव सिर पर है और पार्टी में घमासान मचा है। वाराणसी में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश फौजी और राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल के बीच ठन गई है, जिसका असर पूरे जिले पर दिखने लगा है। राज्य मंत्री ने अपनी ताकत दिखाते हुए जिलाध्यक्ष की कुर्सी से सतीश फौजी को हटवाकर अपनी ताकत दिखा दी। फौजी के जगह डॉक्टर पीयूष यादव को जिले का नया जिलाध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन आलम यह है कि सपा का एक गुट सतीश फौजी को समर्थन देता है तो दूसरा गुट सुरेंद्र सिंह पटेल के साथ है। ऐसे में सतीश फौजी को हटाए जाने से नाराज लोग अब नए जिला अध्यक्ष के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। सुरेंद्र पटेल के पक्ष में कितने आदमी हैं? आज मैं आठों विधानसभा जीता रहा था। अरविंद मौर्य को इसलिए टिकट के लिए दौड़ रहा था कि 2.25 लाख मौर्य बनारस में है। मौर्य समर्पित हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लिए। मौर्य ने रोहनिया में कभी एक मौर्य वोट नहीं देता था, वो पूरा का पूरा 22,000 मौर्य वोट दिए हैं। सुरेंद्र पटेल जी की इच्छा है कि मैं हमेशा अकेला जीतता हूं और अकेला जीतूंगा तो मंत्री बनूंगा। संगठन को ये हमेशा नाश किया है। संगठन में कभी ये ललिता टाकिज कार्यालय 100 मीटर की दूर में डायमंड होटल में आए हैं। 3.5 साल से मैं हूं अध्यक्ष, एक दिन नहीं आए। वर्तमान जिलाध्यक्ष जी अब हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा काम है। हमारे जनपद के कमांडर हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, कोई ऐसे वैसे दल के अध्यक्ष नहीं है। हमारी हैसियत उनके ऊपर टिप्पणी करनी नहीं है। पार्टी में आपसी कला कहीं विधानसभा चुनाव में भारी न पड़ जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद सपा के कई नेताओं पर गाज गिरी थी और मुलायम सिंह यादव ने पुराने सपाइयों को महत्व देते हुए सतीश फौजी को जिलाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी थी। इसके बाद सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मतभेद के चलते सतीश फौजी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और अब पार्टी में चल रही कला के बीच सपा के नए जिला अध्यक्ष के साथ चुनौतियों का पहाड़ है। हमारे जिला अध्यक्ष नए आए हैं पीयूष यादव जी, बहुत अच्छे उनके सभी है, बहुत अच्छे नेता है, वरिष्ठ नेता भी हैं और उनको आने से इस बार विधानसभा में बहुत अच्छी 8 विधानसभा में अच्छे सफल मिलेंगे। यंग पार्टी है सपा में और जागरूक कार्यकर्ता के रूप में काम किए हैं, एक डॉक्टर के रूप में समाज में अच्छा और लोगों के बीच अच्छा कार्य करेंगे, ये उम्मीद की उनसे बनाया गया। इस उम्मीद के लिए जो नए जिला अध्यक्ष पीयूष यादव जी आए हैं वो एक जमीन से जुड़े हुए और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। हम लोगों की सभी समस्याओं को आज तक जितनी भी समस्या हम लोग उनके पास लेके गए हैं सभी को उन्होंने सुना है और कोशिश किया है, और न कोशिश किया तो उसका हल करने का कोशिश जरूर किया है। हर समय युवाओं की गति तेज होती रहती है, जो पुराने थे वो भी अच्छे थे, वो चढ़ते हैं, वो एक उम्र होती है, एक समय होता है, समय के बाद परिवर्तन एक कुदरत का नेचर है, उसी तरह पार्टी का भी एक नेचर होना चाहिए। वो फौजी आदमी थे तो फौज का आदमी तो आप जानते ही, उसका एक अलग नेचर होता है, एक अलग उसका व्यवहार होता है। फिर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की पार्टी के लिए, लोगों को मिला के चले, लेकिन नेताजी को लगा कि ये नहीं हो सफल हो सकते हैं तो उन्होंने बनारस में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पे डॉक्टर पीयूष यादव जी को मनोनीत किया है। सपा को सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए पूर्वांचल जीतना जरूरी है। कहा जाता है कि लखनऊ में उसी पार्टी की सरकार बनती है जो पूर्वांचल की 127 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा ने 70 से अधिक सीटों पर चुनाव जीता था, इसलिए पहली बार यूपी में सपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। शायद इसलिए सपा ने भी गाजीपुर से चुनावी अभियान का शंखनाद किया। फिलहाल वाराणसी में सपा आपसी खींचतान के चलते कमजोर हो चुकी है और नए जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी में कितना जान फूंक सकते हैं ये समय ही बताएगा। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस।